Now the next one says that we have the area of the region bounded by the curve which is y is equal to x square and the line is y is equal to 60. अब यहाँ पे एरिया निकालना ऑब्वियसली ये क्या है पैराबोला है. पैराबोला तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड्स हमारी बराबर होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. अब हमारी लिमिट्स दे वुड बी वैरिंग फ्रॉम 0 टू 16 क्योंकि y हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है लाइन 16 तक. y is equal to 16 is there like this. ठीक है. अब यहाँ पे हमें देखना होगा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस. अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे वुड बी फाइंडिंग द एक्स वैल्यू फ्रॉम हियर. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी रूट वाई. सो यू वुड हैव टू रूट वाई का इंटीग्रेशन करते हैं. सो आई वुड गेट हाफ इज देयर. हाफ में वन ऐड करोगे तो यू वुड गेट 3/2 पर चला जाएगा एंड देन आई वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. 2 × 2 इज 4 4/3 इज देयर और y की पावर 3/2 इज देयर 16 इज देयर 0 इज देयर. सो 4/3 पहली वैल्यू आपकी होगी 16 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2 क्लोज द ब्रैकेट. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट वी कैन गेट द आंसर. सो 4/3 इज द 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर पावर इज 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर गया. सो यू हैव 4 × 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3. 4 की पावर 3 इज 64. 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 256. So 256/3 would be the final.